अबे क्या हो गया, क्यों इतना टेंशन ले रहा है? तेरा भाई है ना संग, बोल क्या बात है, जल्दी बता भाई। सीरियसली तुझे लगता है कि तू मेरी कुछ मदद कर सकता है? सीरियसली साले, हर बार तो तेरी गांड फटती है तो मैं तुझे बचाता हूँ और तू मुझे बचाएगा? तुझे पर मुझे कुछ सोचने दे भाई। एक बार अगर तू मुझे बता, अगर मैं तेरी हेल्प ना करूँ तो तू मुझे बोलना पक्का। तू बस एक बार मुझे बता, और पक्का अगर तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला ना तो मेरा नाम एसके वाइंस नहीं। अच्छा सुन, बकवास मत कर, सुन, बताना चाह रहा है तो बता। साले मेरी आंटी नहीं थी जिनका मैं कुत्ता चलाने जाता था बार बार, साले उनका कुत्ता भाग गया, भोसड़ी के मुझसे बोल रही ढूंढ के लेके, अब कहाँ ढूंढने जाऊँ कुत्ता? साला वो भी साला लौंडे आवाज, एक नंबर का कुत्ता, पता नहीं कहाँ भाग गया होगा यार। अबे साले तेरी जिंदगी में साले कभी आंटी और कुत्ते से आके भी कुछ होता है? बेटी चोत साला, हमेशा आंटी कुत्ता। भाई कैसे ढूंढेगा यार? नहीं, अब नहीं बोलेगा कि भाई तेरे भाई के पास सारी बात का सलूशन है भोसड़ी के। अब मुझसे पूछ रहा है क्या क्या करूँ? चुप रहा साले, अपने दिमाग बंद कर, मुझे सोचने दो कुछ। तब से चिल्ला रहा, मौका दे रहा, चुप मुड़ के साला चूतिया। अबे चूतिया साले, तेरी समस्या भी तो इतनी बड़ी है भाई। अबे कुत्ता कैसे ढूंढेगा यार तू? साले मेरे दिमाग में भी कोई कुत्ता ढूंढने का ऑप्शन नहीं, आज तक भोसड़ी के कुत्ता ही नहीं पाला मैंने तो, इसलिए। इनफैक्ट कुत्तों से बहुत दूर रहता हूँ यार, पता नहीं कैसे तुझसे दोस्ती कर ली। अबे साले तेरे को इतना मारूंगा ना मैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम चुप कर, दिमाग मत खराब कर। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और तुम दोनों बैठे हो यहाँ पे? अरे नहीं अंकल, मैंने आपको नमस्ते नहीं बोला अंकल, मैंने अपने आंटी के हस्बैंड को नमस्ते बोला, वो मेरे अंकल लगते हैं। ये देखिए कान में रियलमी का ईयरबड लगा हुआ है, बहुत महंगा है, बहुत मेहनत से मैंने परचेस किया है, और खास करके तो अपने पैसे पे, अपने सैलरी की कमाई से परचेस किया, बेरोजगार नहीं हूँ ना मैं अंकल, तो आप फालतू में खुश मत होइए, मैंने उनको नमस्ते बोला अंकल, सॉरी। बेटी चूत मरवाया साला, तू क्यों इतना मुंह बना रहा है? मैं इससे ज़्यादा कोई बहुत शौक नहीं हुआ हूँ, जैसे तू वैसे तेरे दोस्त, तो इसमें कोई बहुत अच्छे करने वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है ये सब चीज़। सुन मुझसे बहुत जरूरी काम है तुझसे, एक काम कर मेरा तू। वाह क्या बात है, वाह, क्यूते भी काम में आने लगे। मैं भी सुन, बताइए अंकल बताइए। बेटा प्लीज़ आप अपना मुँह 5 मिनट बंद करेंगे, मुझे अपने बेटे से बहुत जरूरी बात करनी है। आप सुन लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्लीज़ 5 मिनट अपना वो बंद कर लीजिए। हाँ तू सुन भाई, चुप रहे भाई। हाँ बोलो पापा, बोली पापा, बोली बताइए फटाफट, बताइए, मैं सारा काम कर दूँगा, बताइए क्या बात है। उम्मीद करता हूँ तो इस बार अच्छे से ईमानदारी से मेरा काम पूरा कर दे। सुन तुझे जाना है मडुआ डी चौराहे पर, ठीक है? मैं कार दे रहा हूँ 500 रुपये का तेल भरा के, और उससे आगे गया तो मार के तेरी टंगड़ी तोड़ दूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ठीक है? अरे वाह भाई, मडुआ डी जाने की बात चल रही है, वाह वाह वाह। मौका देख के धीमे से चौका मारता हूँ, रुक जाओ। मड़वाड़ी पापा, बट मड़वाड़ी में क्या काम पड़ गया आपका? बेटे काम पड़ गया तभी तो तुझे बता रहा हूँ, वो मड़वाड़ी से एक हाईवे जाता है आगे से, वो इलाहाबाद चला जाता है, तो मेरे जो फ्रेंड है कॉलेज के, वो बहुत पुराने मित्र हैं, वहाँ से जा रहे हैं इलाहाबाद, तो रास्ते में तुझे मैं इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे तुझे कुछ फाइल वेल देंगे, वो अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में डाल लेना, और जो सामान देंगे उसको गाड़ी की डिक्की में डाल लेना, ठीक है? काफ़ी सामान है इसलिए तुझे कार से भेज रहा हूँ, और वहाँ पहुँच के मुझे फ़ोन करना, हो सकता है उनको आने में 20-25 मिनट का टाइम लगे, तो तू कार में रहना, कहीं भागना मत कार छोड़ के, वहाँ वेट कर लेना। वाह 10-15-20 मिनट में तो मेरा भी काम हो जाएगा अंकल जी, तो मैं भी चला जाऊँगा साथ, कार में खाली जाएगा, मैं भी बैठ के जाऊँगा, रास्ते में साइड बताऊँगा कि भाई वैसे कार में बहुत ठोकता ही है, तो आप तो जानते ही हैं, तो मैं साइड में बताऊँगा तो मेरा काम भी हो जाएगा 10-15 मिनट में। बेटा लेकिन तेरा कौन सा काम वहाँ है जो 10-15 मिनट में हो जाएगा? और ले जा इसको भी, वैसे काम क्या तेरा वहाँ पे? अरे अंकल जी आप कसम से आप मड़वाड़ी नहीं गए हैं क्या? मतलब कि अरे तूने बताया नहीं अंकल, वहाँ पे केले बहुत अच्छे मिलते हैं, 10 रुपये के 2 किले, 5 रुपये ईच, और अंकल एक बार आप केले खाओगे ना, वहाँ के केले इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार, मतलब माइंड ब्लोइंग केले, मतलब सीरियसली आप एक बार वहाँ के केले खाओ। मैंने तो एक दुकान भी सेट कर रखी है, तो वही खाने जा रहा हूँ अंकल, 10-15 मिनट खा लूँगा, और तब तक करके भी बैठा रहेगा, मैं उसको साथ भी तो बताऊँगा, मतलब गाड़ी वाड़ी साइड बता दूँगा। और फिर तुझे तो खिलाया था केले एक बार भोसड़ी के, तो मेरे को कहे मरवा रहा? हाँ पापा वहाँ सही बोला ये, वैसे वहाँ पे केले बहुत अच्छे मिलते हैं पापा, और साथ में अमरूद भी मिलते हैं और संतरे भी मिलते हैं, तो ले जाओ मैं इसको, ठीक है ले जाओ, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पहले बता रहा हूँ, कार पे कहीं से भी स्क्रैच नहीं आनी चाहिए, दोनों से बोल रहा हूँ। और हाँ
तू जा रहा है फिर लौट के आ, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो तेरा 2-3 महीने का मुझे टाइम, मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ, जब तक यूपी में इलेक्शन है उसके बाद तू करेगा प्राइवेट जॉब और ला के देगा हमें पैसे। 3-4 महीने तेरे पास है, जितना पढ़ना है पढ़ ले, गवर्नमेंट जॉब निकाला निकाल ले, तेरा यूट्यूब तो चलता नहीं और तू खुद गवर्नमेंट जॉब पता नहीं कब निकालेगा। तो 3-4 महीने प्राइवेट जॉब करने जा रहा है, ठीक है? यूपीएससी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है वो 3-4 महीने का टाइम कर ले और देख ले, उसके बाद मैं नहीं जानता। और सुन, घर पहुंच के जब आना तो मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ। ठीक है अंकल, ठीक है। अबे भाई तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? सीरियसली तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? ओह माय गॉड, सीरियसली ब्रो, यू आर वेरी चूतिया, रियली वेरी चूतिया। साले इतना अच्छा अच्छा यूट्यूब चैनल है, साले 2000 सब्सक्राइबर, लोग की कान फट जाती 2000 सब्सक्राइबर जुटाने में। साले यूट्यूब विधान नहीं दे रहे हैं, जो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना लिए, चले यूपीएससी की तैयारी कर ले। कर कर बेटा तू कर, वैसे चल तैयार हो, चल चलते हैं भाई। छोड़ यार, वैसे भी दिमाग खराब है यार, जिंदगी किस्मत तब झंड है। ठीक है यार, तू एक काम कर, तू बाहर चल, मैं आ रहा हूँ गाड़ी की चाबी लेके, ठीक है? और तू 10-15 मिनट से ज़्यादा लेट करेगा तो मैं तुझे छोड़ के आने वाला हूँ, मैं तुझे तेरा वेट नहीं करूँगा, पहले बोल लूँगा। अरे भाई थोड़ा बड़ा स्टेमिना पे भी तो डिपेंड करता है भाई, तो हो सकता है कि 10-15 मिनट से 17 मिनट हो जाए, 20 मिनट हो जाए, तो थोड़ा वेट कर लेना भाई। चल तू बाहर, मैं आ रहा हूँ। अबे अबे केले खाने में कौन सा स्टेमिना भाई, बैठी चुप चला गया, पता नहीं कैसा सारे दोस्त पा लग के मैंने भी। कैसे हो भाई लोग? तो फिर नई वीडियो जो आप लोग देख रहे हो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको बनाने में, तो प्लीज़ इस वीडियो पे पहले से लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को, और इस वीडियो पे सेकंड पार्ट का वेट करो, बहुत जल्दी इस वीडियो का सेकंड पार्ट आने वाला है। और इस वीडियो में ना बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे आपको सस्पेंस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वेट करो और इस वीडियो को पूरा देखो विदाउट, मतलब बिना स्किप किए, और तभी समझ पाओगे आप। और लाइक करो, 100 लाइक पहुँचाओ, टारगेट देता हूँ 100 लाइक का, कमेंट कर दो, बाकी सब्सक्राइब कर लो एसके वाइंस को, और भी नई नई वीडियोस आ रही है, और इसका सेकंड पार्ट तो सबसे पहले आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना और शेयर करना। ठीक है, बाय बाय।